पापा हमने अपना वेडिंग ट्रेडिंग ना बड़े से सेटअप पर लेके जाएंगे है ना? जरूर। देखो किसका फोन? हेलो। हेलो गीता जी बात कर रही है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैसेल बिरजू फ्रॉम दूल्हा ट्रेडिंग। दूल्हा ट्रेडिंग? यस मैम, दूल्हा ट्रेडिंग .com से। मैडम हमारे यहाँ ना हर प्रकार के दूल्हे मिलते हैं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैडम जी नंबर तो मेरे पास यशराज से लेकर यमराज तक सभी का मिल जाएगा। आप बताइए ना आपको किसका नंबर चाहिए? जू फिर से फोन लगा, याद है ना बॉस ने क्या कहा था? एक क्लाइंट के पीछे 11 बार ट्राई करने का। और माँ भी तो ये कहती है 11 बार ट्राई करने से भूत भी वर्तमान में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये गीता कौन सी खेत की मूली है? बिरजू बेटा फोन ट्राई करो, ट्राई करो, फोन लगाओ। हेलो। हेलो। मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैडम जी तो कर दीजिए ना, मैं आपसे कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ। आपको याद होगा आपने आओ करे शादी .com पर रजिस्ट्रेशन किया था ना? हाँ। तो बस मैडम वो लोग मुझसे ही तो लीड लेते हैं। और मैडम हमारी तो सही वक्त पे बात हो रही है, आपको पता है मेरी कंपनी जो है ना बहुत अच्छा डील दे रही है। मैडम जी ले लीजिए ना। अब तुम मेरे पापा से बात करो। पापा जी प्रणाम, नमस्कार, आदाब, पैर ही पौना। पापा जी कैसे हैं आप? बेटा ये एजेंट दूल्हे की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? पापा जी एजेंट को मारे गोली, कितना खर्च करेंगे लगाइए बोली। यही कोई 10-12 लाख। 12 लाख सोच रहे थे। लेकिन जब मैंने गीता के दोनों भाइयों से बात की तो उन्होंने बोला पापा 12 लाख क्यों, हम 25 लाख खर्चा करेंगे। 25 लाख? किसे रोते थे? हेलो बेटा क्या हो गया था? मुझे लगा तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। सर ऑलमोस्ट आ ही गया था, लेकिन आपकी बेटी की शादी कराए बगैर मुझे हार्ट अटैक तो छोड़िए, कोई मच्छर भी मुझ पर अटैक नहीं कर सकता सर। अच्छा मच्छर को भी नहीं? क्यों भाई? सर अगर किसी मच्छर ने मुझ पर अटैक किया, मुझे काट लिया तो मुझे मलेरिया हो जाएगा, और एक बार अगर मुझे मलेरिया हो गया तो मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आ पाऊंगा ना सर। और आप तो सर 25 लाख खर्च करने वाले हैं। हाँ बेटा वो तो ठीक है, अगर आपकी बेटी की शादी में मौजूद नहीं रहूंगा तो मेरा क्या फायदा है ना सर। ऐसे डूब देते हैं। हेलो। हेलो सर। बेटा क्या हुआ था? मुझे लगा तुम्हें किसी ने जोर से लाफा मारा। हाँ मारा है ना। किसने? मेरे पापा ने। क्या है ना सर, मेरे पापा जो है ना बड़े ही मजाक के टाइप के इंसान हैं, चलते फिरते किसी को भी लाफा लगा देते, और मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझ पे तो पूरा अधिकार है ना उनका। हाँ वैसे पापा जी आप 25 लाख? बेटा मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ना पूरा पूरा विश्वास है आप पर। बेटा मैं क्या कह रहा था, मुझे अभी किसी का कॉल आ रहा है, बाद में बात करते हैं ठीक है? हाँ पापा जी कोई बात नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ठीक है पापा जी। नमस्कार पापा जी। बस गया भाई, पूरी तरह बस गया। 25 लाख ये तो बहुत बड़ा क्लाइंट मिल गया। Thank you.
चार। अब बंदर के माँ पे खोजे क्यों रहे हैं? अरे तुझे बता दूं तू सैलरी डबल मांग लेगा। सैलरी की बात क्यों करती है? अभी पिछले महीने का सैलरी पांडंग में है ना। अभी जा, चल 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 नाश्ता लेगा। अरे सर आपके ऑफिस के बजट में यही है कटिंग चाय। मैं तू खड़ा क्यों है, जा नाश्ता लेके आ। हेलो जी। हेलो दूल्हा ट्रेडिंग। यस यस दूल्हा ट्रेडिंग। मैं रोहन बात कर रहा हूँ। मुझे ना दो सेकंड हैंड दूल्हा चाहिए। हाँ जी आ जाए, बिल्कुल मिल जाएगा जी। किसके लिए चाहिए? वो जी मेरी वाइफ के लिए। बस आप इंतजाम कर दीजिए। ये हुई ना बात। अब देखा। हेलो, अरे क्या हुआ? सर मैं 5 सालों से दूल्हा ट्रेडिंग चला रहा हूँ, लेकिन आपके जैसा क्लाइंट मुझे पहली बार मिला है जो अपनी ही बीवी के लिए एक नहीं दो दो सेकंड हैंड दूल्हा ढूंढ रहा है। सर आप फोन चालू रखिए, मैं आपको ऑप्शन भेजता हूँ। लीजिए सर, आपके फोन में मैंने 7-8 ऑप्शन भेज दिए, आप सिलेक्ट करके बताइए। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ लगता है मेरे सारे ग्रह सही दिशा में चल रहे हैं। गीता जी को फोन लगाता हूँ, उनसे भी पूछ लेता हूँ। हेलो। हेलो गीता जी, मैं बिरजू फ्रॉम दूल्हा ट्रेडिंग। आप तो बहुत लकी है। तुमने पापा से बात की ना? हाँ हाँ, पापा जी तो आपकी शादी में पैसा पानी की तरह पाने के लिए एक्साइटेड है। फिर मैंने कहा पापा जी बारिश थोड़ी थोड़ी देर में रोक देना, कई 10वीं छात्र फेल हो गए तो। देखो तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करने वाले। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं गीता जी, आप ना मजाक कर रही है, बड़े मजाकी है आप तो। अरे उल्टा वो तो 25 लाख दूल्हे से लेने वाले हैं। क्या? पच्चीस लाख चले गए। अरे सर क्या हुआ? सर नहीं हुआ सर, हम तो पहले ही समझ गए थे। अरे सर एक बात बताएं, पहले एक जमाना था जब गैस का चूल्हा और दूल्हा ढूंढने पे भी नहीं मिलता था, और अब देख लीजिए हर गली चौक चौराहे पर एक खड़ा तो दूसरा पड़ा मिल जाता है। वही सोच रहा हूं। अरे सर चमेली का फोन आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ बेटा बिरजू। हेलो दूल्हा ट्रेडिंग। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अभी मेरा बच्चों के साथ फिर से डिस्कशन हुआ, तो बेटा ऐसा है कि अब हम 25 लाख नहीं 20 ही लाख लेंगे, ठीक है? ऐसा है ना पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए आप, हम दूल्हा ट्रेडिंग करते दुल्हन नहीं, और आज के बाद ना मैं दूल्हा ट्रेडिंग बंद कर रहा हूं, टोटल बंद। अरे हम यही तो चाह रहे थे। अरे अरे गीता बेटा इधर आओ। क्या हुआ पापा? अरे बिरजू ने अपना बुरी विश्वास समेट लिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ? मान गए पापा, आपने तो जमी जमाई दूल्हा ट्रेडिंग को उखाड़ दिया। हाँ अब हम ऑफिस जाएंगे वेडिंग ट्रेडिंग। हाँ। और अब हम दूल्हा ट्रेडिंग के साथ साथ दुल्हन ट्रेडिंग भी चलाएंगे। हाँ पापा, हम ना एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेंगे। कौन आए किसी का? हेलो हेलो, अरे सर जी हमको दुल्हन चाहिए थी। अच्छा जी मिल जाएगी,
अरे हमारे पास 18 से लेकर 68 साल तक की दुल्हन है। अरे हमको जो है ना वो 40 प्लस वाली चाहिए। अरे मिल जाएगी हमारे पास बहुत सारी है। आप प्लीज मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। अरे हमारा उम्र 22 साल है। अरे वो मिस्टेक होएगा वाह, हमारा 21 रनिंग है। फोन काट दिया। अरे बिरजू भाई। हाँ बोल रहा हूँ। मैंने ना दो फोटो सेलेक्ट की थी लेकिन मेरी वाइफ को ना बस एक ही लड़के से मिलना है। सॉरी सर, मैंने ये सब काम छोड़ दिया है। प्लीज भाई प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, बस भाई तुम इस लड़के से मीटिंग करवा दो। मेरा फोटो सेलेक्ट हुआ? गीता मैंने तुम्हारा काम तो करवा दिया, अब देखो। एंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा हर रोज सिर्फ एडिक्टेड अड्डा पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।